So class 4, this is page number 38. Now first activity, test for starch. Now you know what is starch? Starch usko bolte maloom hai kya kya bole starch? Yes, namak. Any idea to anyone? सूत्र ढाके. All right. Now listen to me very carefully. Today when you go home, आज के जब हम बाड़ी जावे, ऐटा काज करवे. आलू तो होगा घर में सबके. तो आलू काटना उसको. आलू काट के स्टीलर प्लेट, कोई भी स्टील का प्लेट लेके जो कटा हुआ है, काटा आलू डा और ऊपर रख दे. ठीक है जी? एक टू घोस बे. फिर उसको वो जो रस निकलेगा आलू का, उसको सुखाना. क्या कलर होगा मालूम है उसका रस का? व्हाइट व्हाइट सा लगेगा आपको. जब सूखेगा ना वो व्हाइट आलू का जो रस जो सूखने के बाद, दैट विल टर्न इनटू लाइट व्हाइट. दिखेगा आपको, अच्छे से दिखेगा. दैट इज स्टार्च. स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज शुगर. शुगर यानी जो चीनी हम लोग खाते हो, नहीं मतलब इट इज सिमिलर लाइक दैट ओनली. स्टार्च को शुगर भी बोलते हैं. दैट इज द फूड ऑफ द प्लांट्स. जो खाना एक्स्ट्रा खाना है वही खाना ही है उनका. स्टार्च इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट प्रोडक्ट्स. सब गाछे जिनी से थके, राइस से थके. राइस हाड़ी में बनाते तो पानी निकलता है ना, भात का पानी. क्या बोलते उसको? माड़ बोलते हैं बंगला में. दैट इज ऑल्सो स्टार्च. स्टार्च आपका माड़ साड़ी में देते हैं मालूम है, उसको कड़क बनाने के लिए. एक पैकेट आता है रिवाइव, लिक्विड भी आता है, लिक्विड में पाउडर हुआ से रिवाइव. दैट इज ऑल्सो स्टार्च. लिक्विड स्टार्च, पाउडर स्टार्च. क्लियर? सो हम लोग कैसे पता करेंगे खाने में स्टार्च है? खबारे मध्य स्टार्च आ चाहिए. प्लांट प्रोडक्ट से पेड़ का जो चीज है उसमें ज्यादातर स्टार्च होता है. एनिमल्स में बोलने को नहीं रहता है. पॉइंट नंबर वन, डिजॉल्व अ पिंच ऑफ स्टार्च पाउडर इन हॉट वाटर. स्टार्च का पाउडर मिलता है स्कूल में, रहता है बाजार में मिलता है. तो पिंच मतलब एक चुटकी, छोटा सा एक चिमटी. गर्म पानी में आप उसको घोलो पाउडर को. किसका पाउडर? स्टार्च पाउडर. कूल द सोल्यूशन, उसको ठंडा करो आप. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ डिश. कुछ बूंद जो है किचू फोटा ए सोल्यूशन है नीते हबे एक प्लेट में. एड वन ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू इट. उसमें आयोडीन इज अ केमिकल. आयोडीन किस में रहता है मालूम? किस में रहता है जो खाते हो आप? किस में रहता है आयोडीन? किसे था कि आयोडीन? सॉल्ट. राइस से था कि ना? सॉल्ट. नमक में आयोडीन. एडवर्टाइजमेंट नहीं देते टीवी? आयोडीन इज प्रेजेंट इन सॉल्ट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन. दिमाग के लिए बहुत जरूरी है. राइट? सो उसका जो सोल्यूशन इसको मिलता बाजार में, सो वोटा वन ड्रॉप उस वाले सोल्यूशन में डालना आपको. नाउ व्हाट चेंज डू यू सी? द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक. डीप ब्लू कलर का हो जाएगा. काला काला ब्लू ब्लू, डीप ब्लू. इसको बोलते हैं डीप ब्लू ब्लैक. इट इज बिकॉज आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ स्टार्च. क्योंकि अगर आयोडीन को अगर स्टार्च में मिलाओगे तो ब्लू ब्लैक कलर होगा. अगर आयोडीन नहीं होगा, अगर स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा. तो ब्लू ब्लैक कलर होच्छे, चेंज हो रहा है. तो चेंज हो रहा मतलब कलर, उसमें क्या है? स्टार्च है. नो अदर सब्सटेंस गिव्स दिस रिजल्ट. दूसरा कोई चीज उसमें आपको ये नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी, टू शो दैट ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च. अब भाई स्टार्च पत्ता में होता है कि नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? गाछे पाता थे स्टार्च है कि ना, ये कैसे मालूम चलेगा? टेक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट एट अ गाछे पाता ने भी. टू सी एनी चेंज इन कलर, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द कलर ऑफ द लीफ. तो सबसे पहले आपको लीफ का जो हरा कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं. कलर टा पलटाते हो. कैसे बदलेंगे? यू कैन डू इट बाय बॉइलिंग द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल. एल्कोहल इज ऑल्सो केमिकल, जो आपको होम्योपैथी दवाई में भी रहता है आपका. अभी तो हैंड सैनिटाइजर भी रहता है आपका. हाँ, सो पहले उसको पानी में उबालना है पत्ते को, फिर एल्कोहल में उबालना है. एक लोग बाड़ी देखते बाबना, एक लोग साइंस लैब में होता है स्कूलों में. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग. तो ये जो प्रोसेस है, पहले पानी में उबालना, तार पड़े अबार एल्कोहल उबालना, इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ब्लीचिंग. इससे क्या होता है कि ग्रीन कलर चला जाता है आपका पत्ते का.
नेक्स्ट आफ्टर ब्लीचिंग वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर. इसके बाद क्या करना है, ब्लीचिंग अल्कोहल में उबालने के बाद ठंडा पानी में उसको धो लेना है. किसको धोना है, लीफ को, पत्ता को. नाउ पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ. कुछ बूंद किचू फोटा आयोडीन सोल्यूशन टा पातार ऊपर देबे. द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, सब दिया हुआ है इसमें. तो लास्ट में कलर कैसा हो जाएगा पत्ते का, ब्लू ब्लैक. ब्लू ब्लैक मतलब उसमें स्टार्च है, ब्लू ब्लैक ही कलर होगा, दूसरा कलर नहीं होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. वॉट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड. नाउ खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है भाई, सनलाइट जरूरी है कि नहीं. लेट अस सी. नंबर वन, टेक ए हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 24 आवर्स. तो अच्छा सा एक पौधा लेना है आपको, भालक का छोटा गाछ, छोटा पौधा आपको लेना है. उसको कहाँ रखना है, अंधकार घरे, अंधेरा के कमरे में. कितना देर रखना है, 24 घंटा. 24 घंटे यानी एक पूरा दिन उसको अंधेरा रूम में रखना है. कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. अच्छा, सिंस द लीव्स डू नॉट रिसीव सनलाइट दे आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड. तो क्योंकि अंधेरा रूम में तो सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वो लोग क्या, खाना नहीं बना पाएंगे. खबर तो करते पार बेना तारा. नंबर टू, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर एंड पुट द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. अब क्या करो भाई, ये जो पौधा है देखो चित्र में दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है इसमें. एक पातार मध्य काला टेप या कुछ लगा दो आप, काला वाला टेप. तो काला टेप मतलब वहां पर क्या सनलाइट होगा, वहां सनलाइट मिलेगा नहीं मिलेगा, मन पा बेना. ठीक है, उसको फिर आप धूप में रखो. यू कैन सी द पिक्चर. पॉइंट नंबर बी, नाउ प्लग द कवर्ड लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप. अब ये जो जिसमें ढका हुआ था जो ब्लैक स्ट्रिप काला टेप लगाया था, उसको आप पत्ते को तोड़ लो आप, और काला जो स्ट्रिप था पट्टी को निकाल लो आप. ठीक है, देन ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इन फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल. तो इससे पहले जो किया था हम लोगों ने ब्लीचिंग, पहले पानी में उबालना है फिर उसको एल्कोहल में उबालना है. एल्कोहल उबाल भी. नाउ वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर अगेन. फिर ठंडा पानी में आपको धोना है. नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू इट. द कवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. तो जो पत्ते देखो नीचे देखो, लास्ट एफ एफ नंबर पिक्चर. तो पत्ते में देखो खाली बीच में व्हाइट दिख रहा है आपको. क्या नो व्हाइट है, क्योंकि वहां ब्लैक टेप लगा हुआ था. और वहां ब्लैक टेप लगा तो वहां खाना नहीं बना है. और खाना नहीं मतलब स्टार्च नहीं, क्योंकि स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द फूड ऑफ द प्लांट्स. जो खाना बनता है वो स्टार्च ही है. तो जहां पर काला टेप लगा हुआ था, काला पट्टी, वहां पर आपका कलर चेंज नहीं होगा. बाकी साइड में सनलाइट मिला है, वहां खाना बना है, वहां पर काला काला हो जाएगा. तो एटा थे हमने बूझ दे पाड़ी कि सनलाइट दरकार, क्योंकि जहां पर व्हाइट है वहां पर सनलाइट नहीं मिला है. और सनलाइट पाने बोले की हो चे खाबार तोरी है नहीं. सो व्हाट इज द कंक्लूजन. कंक्लूजन मींस इससे क्या मालूम चलता है भाई, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट फोटोसिंथेसिस में जरूरी दरकार. नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल दरकार फोटोसिंथेसिस जन्य. नाउ टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड. वेरीगेटेड मीन्स पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट. ऐसा पौधा लेना है जो कुछ हरा हो और कुछ कुछ वो सफेद सफेद सा हो. ऐसा आपको पौधा लेना है. कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे मिलते हैं, मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलेगा आपको. कीप इट इन सनलाइट फॉर 2-3 आवर्स. प्लक अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट. तो इस पौधे को आप एक गास्टा के किचू को 2-3 घंटा सूरज के रोशनी में रखो आप. डू द अच्छा ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर मार्किंग इट्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज वेरी डिस्टिंक्टली. तो ये जो पत्ता है पात्रा क्या बोल, किचू व्हाइट आचे किचू ग्रीन आचे, उसका मार्कर पेन से मार्क कर दो. जो व्हाइट वाला एरिया व्हाइट, ग्रीन वाला एरिया मार्क कर दो आप. डू द स्टार्च टेस्ट ऑन द लीफ. इसके बाद कौन सा टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट. स्टार्च टेस्ट में क्या करते हैं,
ब्लीच करते हैं, ब्लीच करके आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर, द व्हाइट पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक व्हाइल द ग्रीन पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक। तो इसमें देखो व्हाइट जो पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है, क्या नो है नहीं, क्यों, वहां पर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, पढ़ा है ना, ग्रीन पिगमेंट, उसी वजह से ग्रीन कलर आता है, और क्लोरोफिल क्या है, गैस, सूरज का रोशनी हो गया, मतलब क्लोरोफिल इज द गैस ओवन, सूरज का रोशनी गैस है, गैस उससे जलेगा और ओवन जलता है, सो विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस, और वहां पर क्या नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, दैट इज वाई द कलर डज नॉट चेंज। एमसीक्यू, द लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस। नेक्स्ट वी हैव सम अनयूजुअल प्लांट्स, अनयूजुअल मीन्स अलग, एक तो अलादा गाछ, वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड इन ग्रीन लीव्स, बट देर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स एंड सम अदर्स विच डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स, तो किचू गाछ आछे जिनके हरे पत्ते नहीं होते, सबूज पाता था के ना, राइट, हाउ डू दे मेक देयर फूड, तो वो लोग खाना कैसे बनाते, कि वह खावा तो नहीं करे, अ कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, कैक्टस प्लांट देखा आप लोगों ने, कांटा कांटा होता है उसका, पत्ता नहीं होता है, लेकिन उसका फूल देखा आपने कैक्टस का, नहीं देखा, अच्छा हमने देखा है, छोटा पिंक पिंक लाल लाल छोटा छोटा फूल है, क्यों देखे जिस कैक्टस है फ्लावर्स, हमें देखे जी, इट हैज स्पाइंस, स्पाइंस माने कांटा था कि, इट हैज अ थिक एंड फ्लेशी ग्रीन स्टेम, उसका जो स्टेम होता है कैसा होता है, ग्रीन थिक मोटा होता है, फ्लेशी मीन्स अंदर काफी जैसा मांस जैसा रहता है, मांस मीन हमारा मसल्स नहीं, लेकिन जैसा आप कभी आम काटो या उसका जो अंदर का फ्लेश होता है, लाइक दैट, इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लेशी स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैक्टस का स्टेम कैसा होता है, कैमन था कि ग्रीन था कि, तो स्टेम के अंदर ही खाना बनता है, स्टेम के मध्य ही फोटोसिंथेसिस हुए खबरटा तैयारी हुआ है, सो इन कैक्टस फूड इज प्रिपेयर्ड इन द स्टेम एंड इन प्लेस ऑफ लीव्स कैक्टस हैव डैश स्पाइंस कांटा, पत्ता के जगह स्पाइंस कांटा। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर, तो कुछ कुछ पौधे भाई क्रोटोन है तो उसके उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन कैसा कलर क्या होता है, डार्क रेड इन कलर, नॉर्मली क्लोरोफिल की रकम कलर था कि ग्रीन, लेकिन इसमें क्या था, डार्क रेड, दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट जो लाल कलर है वो ज्यादा है, तो उससे जो हरा वाला कलर है वो ढक देता है, छुपा देता है, हाइड मतलब नुकीद है, ढक जाता है उससे। सच लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे पत्ते भी लेकिन फोटोसिंथेसिस से की खबट्टा तैयारी करें। डू यू नो मोल्ड्स एंड मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड रॉटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्लियर दे वर कंसिडर्ड एज प्लांट्स, नाउ दे आर पुट इन द सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड फंगी। तो मशरूम तो खाया होगा आप लोगों ने, खाया किसने खाया, अच्छा होता है, इट इज वेरी हेल्दी। मोल्ड्स आपका ब्रेड में या रोटी में जब सड़ जाता है खराब तब होता है, थोड़ा एश कलर का छाई छाई रंगे हुए, सो पहले इनको पौधे बोलते थे बट अभी इनको पौधे नहीं होते क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो लोग खाना कहां से लेते हैं, डेड एंड रॉटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मरे हुए जीव जंतु होते पेड़ पौधे होते उनसे खाना बनाते हैं। वही लास्ट बसो बाबू खाने बसो शुरू भी है অলরাইট ক্লাস ফোর আমরা আজকে এখান পর্যন্তই রাখবো, টুমরো 41 থেকে স্টার্ট করবো, একটু ম্যাথস করবো আমরা।